कृष्णा, तेरा काल तेरे निकट आ रहा है। तू सपने में भी नहीं सोच सकता कि तेरी मृत्यु तेरे द्वार पर खड़ी है। यही समझ लो हनुमान, मेरी शैया पर नहीं तुम उड़न खटोली पर बैठे हो। आनंद आ रहा है ना? हाँ, बहुत आनंद आ रहा है कान्हा। क्या हुआ रौद्रावत, रुक क्यों गए? थक गए क्या? तुम में एक बात तो है, तुम अन्य राक्षसों से सभ्य हो। व्यर्थ ही जोर जोर से नहीं हंसते। चलो अब ये बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? योजना ये है कि मैं तुम्हें अपने हाथ में उठाकर मसल दूंगा। आओ आओ आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हारी हंसी कहाँ गई? अब तू थोड़ी देर में मेरे हाथों मरने वाला है। अंततः रौद्रावत का तुमसे सामना हो ही गया। तेरी माया मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। कहाँ गई तुम्हारी शक्ति रौद्रावत? किंतु तुम मुझे अभी तक पकड़ तो पाए नहीं, मारोगे क्या? अरे लल्ला, तू यहाँ क्या कर रहा है और तू अभी तक सोया क्यों नहीं? मैया, वो मैं तो कान्हा को कहने आया था कि वो कल भोर में समय पर उठ जाए, क्योंकि हमें महादूत को सवेरे गांव के पास वाली झील के किनारे भ्रमण कराने ले जाना है। अच्छा, तो चल तू सो जा, मैं तुझे जल्दी से सुला देती हूँ, ठीक है? अब तू बच नहीं सकता। तो तू अपने आप को बहुत बड़ा मायावी समझता है, तो ले अब तू देख वास्तविक माया, मेरी माया।
मेरी माया का इस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। हनुमान देखो, रुद्रावत की माया में वो स्वयं ही फंस गया। अग्नि प्रकट हो। अब बता कैसे निकलेगा इस माया से। रुद्रावत को अपनी माया दिखा रहा था। कितने भी प्रयत्न कर लो पर इस माया से तुम बाहर नहीं आ सकते कृष्णा। तू नहीं बच सकता। अब तुम्हारे किसी शस्त्र का मुझ पर कुप्रभाव नहीं होगा। कृष्णा आप इस श्री राम की भांति असुरों का सामना बड़ी वीरता से करते हो। समाप्त हो गया। जय श्री राम।